कैसे हो मित्रों, आप सभी को राम राम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे OnePlus 9 Pro के बारे में। OnePlus 9 और 9 Pro दोनों साथ में ही लॉन्च हुए थे, लेकिन शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा ओवरप्राइज्ड थे। अभी बहुत अच्छी डील मिल रही है, आप में से जो भी OnePlus 9 Pro बाय करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है इस फोन को बाय करने का। आज OnePlus 9 Pro के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इस फोन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं स्मार्टफोन स्टॉक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सेट कर लीजिए, जिससे मेरे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट आता है लुक एंड डिजाइन। लुक एंड डिजाइन वाइज देखा जाए तो इट इज अ गुड लुकिंग फोन। इसका ये जो मॉर्निंग मिस्ट कलर है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ऊपर की साइड मैट फिनिश और नीचे आते आते मिरर फिनिश हो जाता है, आप अपना फेस देख सकते हो इसमें। इसका कैमरा कटआउट और इसकी प्लेसिंग भी मस्त है। साइज में OnePlus 8 Pro से थोड़ा सा छोटा है, इसी वजह से बाकी सभी प्रो फोन से थोड़ा हल्का फील होता है। केस के साथ उतना अच्छा लुक नहीं आता है इसका, बट क्या करें, सेफ्टी भी जरूरी है। मेरे हिसाब से आप इसमें ट्रांसपेरेंट TPU केस यूज कर सकते हैं। इसमें OnePlus का फेमस अलर्ट स्लाइडर भी मिलता है। फ्रेम पूरा मेटल का आता है, जिसमें फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। ग्लास है तो थोड़ा केयर से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रैचेस बहुत ज्यादा कैच करता है। ओवरऑल OnePlus 9 Pro इज अ वेल मेड सॉलिड प्रीमियम फोन। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है डिस्प्ले। इसमें 6.7 इंच की एमोलेड कर्व्ड 2K डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। रिफ्रेश रेट एडाप्टिव है, जो कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट होता रहता है यूसेज के हिसाब से। LTPO स्क्रीन आती है, जो कि नॉर्मल स्क्रीन्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा पावर सेव करती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है और मल्टीमीडिया कंटेंट वॉच करने में तो अल्टीमेट है। कॉज QHD+ रिजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और कर्व्ड डिस्प्ले। मुझे तो कर्व्ड डिस्प्ले वाले फ़ोन बहुत पसंद है। क्या आप कर्व्ड डिस्प्ले वाले फ़ोन को पसंद करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट है। बहुत कम ऐसे फोन है जो 2K रिजोल्यूशन के साथ आते हैं। HDR10+ का भी सपोर्ट है, सो ओवरऑल द डिस्प्ले इज ग्रेट। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है परफॉर्मेंस। OnePlus 9 Pro Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि उस टाइम का प्रीमियम प्रोसेसर था। LPDDR5 रैम आती है UFS 3.1 स्टोरेज के साथ में। आप कोई भी गेम हाई सेटिंग्स पे आराम से खेल सकते हो, कोई भी टास्क हैंडल कर सकता है ये प्रोसेसर, कहीं भी कोई भी लैग या परफॉर्मेंस में कमी देखने को नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट आता है चार्जिंग सेक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट बैटरी, द पॉजिटिव पॉइंट इज चार्जिंग सेक्शन। OnePlus 9 Pro में हमको 45mAh की बैटरी मिलती है, जिसका बैकअप तो उतना अच्छा नहीं है, बट हमें चार्जिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि बॉक्स में ही 65W का चार्जर आता है, जो कि फोन को 0 से 100% अराउंड 35 मिनट में चार्ज कर देता है। साथ ही साथ इसमें 50W की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, जो कि फोन को 0 से 100% अराउंड 45 मिनट में चार्ज कर देती है। आप में से जो वायरलेस चार्जिंग चाहते हैं, वो अलग से वायरलेस चार्जर खरीद कर फास्ट वायरलेस चार्जिंग का भी मजा उठा सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट आता है कैमरा। OnePlus 9 Pro में हमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48MP का मेन सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मोनोक्रोम और 8MP का टेलीफोटो लेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि OnePlus ने अपनी कैमरा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए टॉप कैमरा कंपनी Hasselblad के साथ पार्टनरशिप की थी। Hasselblad ने कलर कैलिब्रेशन के थ्रू काफी हद तक OnePlus की इमेज प्रोसेसिंग को सुधार दिया है। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगा सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑप्टिमाइज करने में, बट अब रेगुलर अपडेट्स के थ्रू काफी कुछ सुधार कर लिया गया है। वीडियो ये 4K 120fps और 8K 30fps तक शूट कर सकता है। फ्रंट सेल्फी के लिए इसमें 16MP का कैमरा आता है, जो कि OnePlus में हमेशा से आता रहा है। तो अभी की स्थिति में काफी कुछ सुधार कर लिया गया है कैमरा डिपार्टमेंट में। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट आता है इसकी IP रेटिंग। OnePlus 9 Pro IP68 रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब ये वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। यहाँ तक कि OnePlus 10 Pro भी किसी IP रेटिंग के साथ नहीं आता है, तो OnePlus 9 Pro को आराम से आप नहलाइए धुलाइए, कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और फेस अनलॉक का भी सपोर्ट है, जो कि सीमलेसली काम करते हैं। सेवेंथ पॉजिटिव पॉइंट है क्विक लॉन्च फीचर। आप कोई भी ऐप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो इस फीचर के थ्रू। आप जिस भी ऐप को ज़्यादा यूज करते हो, उसको आप यहाँ पे सेट कर लो। इसके बाद आप स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके डायरेक्टली उसी ऐप को ओपन कर सकते हो। ये भी एक यूनिक फीचर है। OnePlus 9 Pro में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, जिनमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। स्पीकर्स काफ़ी क्लियर एंड लाउड हैं। कनेक्टिविटी के भी सारे ऑप्शंस हैं, 5G, डुअल 4G VoLTE, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, NFC, ये सारे हैं। दिस इज द लास्ट प्रीमियम फोन जो OnePlus के ओरिजिनल ऑक्सीजन OS के साथ आता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको अपडेट करते हो या नहीं। तो ये तो ये सारी पॉजिटिव बातें। अब एक छोटी सी पॉजिटिव बात आप मेरे लिए भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। इसका डिस्प्ले नो डाउट
ब्राइट है, काफ़ी शानदार विजिबिलिटी है, लेकिन अगर आप इसको 2K रिजोल्यूशन विथ 120 FPS पे सेट करके रखते हो तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। आप पूरा एक दिन भी नहीं निकाल सकते, आपको दो बार चार्ज करना पड़ेगा। नो डाउट कर्व्ड डिस्प्ले लुक्स ऑसम, बट इट्स हार्ड टू फाइंड स्क्रीन गार्ड्स फॉर इट, और अगर मिल भी गए तो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और कर्व डिस्प्ले में एक्सीडेंटल टच बहुत ज़्यादा होते हैं, ध्यान से यूज करना पड़ता है। गेमिंग में सारे गेम्स 60 FPS पर रिस्ट्रिक्टेड हैं, बैटरी कंजम्पशन और हीटिंग इशू की वजह से ऐसा हो सकता है, और सिर्फ कुछ गेम्स में टच सैंपलिंग रेट 360 हर्ट्ज पे जाता है, सब में नहीं। और जैसा कि सबको पता ही है कि स्नैपड्रैगन 888 वाले फोन हीट करते हैं, तो ये फोन भी हीट करता है हैवी यूसेज में। अब काफी हद तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू इसको कंट्रोल कर लिया गया है, बट हीटिंग इशू खत्म नहीं कर पाए हैं। ओनली 2 5G बैंड्स आर प्रेजेंट इन द फोन, सो कीप दिस थिंग ऑन योर माइंड ऑल्सो। अभी लेटेस्ट ऑक्सीजन OS 12 बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है कलर OS से, और अभी OnePlus वालों ने कहा है कि ऑक्सीजन OS 13 एंड 14 में बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं। अभी ये मेजर चेंजेस ऑक्सीजन OS को कलर OS में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर ऑक्सीजन OS को और बेहतर बनाते हैं, ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। वेल, देखते हैं क्या होता है। बैक कैमरे में 8K एंड 4K का सपोर्ट है। अच्छी बात है कि फोन कैपेबल है इस लेवल के वीडियोस शूट करने में, बट अगर आप 4K 120 FPS पे शूट करोगे तो 5 मिनट में ही फोन ओवरहीट हो जाता है और वार्निंग आने लगती है कि फोन ओवरहीट हो गया, अब आप कैमरा यूज नहीं कर सकते। और फ्रंट कैमरे में 4K का ऑप्शन ही नहीं है। इवन नॉर्ड तक अपने फ्रंट कैमरे से 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, बट 9 प्रो में 4K का ऑप्शन ही नहीं है। स्ट्रेंज। और अगर आप ज़्यादा सेल्फी लेते हो, फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हो या व्लॉगिंग वगैरह कुछ करते हो तो ये फ़ोन मत लेना, बट बैक कैमरा इज़ अमेजिंग। वॉल्यूम रॉकर्स भी ज़्यादा क्लिकी नहीं है, थोड़ा सा ये डिफेक्ट भी लगा है कुछ लोगों को। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड था, बट अभी का जो प्राइस चल रहा है वो इसके फीचर्स और ब्रांड रेपुटेशन को देखते हुए सही है। दो वेरिएंट आते हैं 8128 49999 में और 12256 54999 में। कुछ बैंक के ऑफर अगर आप लगा लेंगे तो थोड़े और सस्ते मिल जाएंगे। मोस्टली ये फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, क्योंकि अगर ये फ़ोन अवेलेबल रहेगा तो OnePlus 10 की सेल्स पे असर होता है। दैट्स व्हाई OnePlus वाले इसको मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही रखते हैं। रिलायंस डिजिटल पे कुछ मेजर लोकेशंस पे अभी भी ये फ़ोन अवेलेबल है, तो आप में से जो भी इसको लेने का प्लान कर रहे हैं, जिस भी ट्रस्टेड प्लेस पे ये फ़ोन आपको मिलता है आप तुरंत ले लीजिए। सेम प्राइस पॉइंट पे वीवो, रियलमी, Xiaomi इन सभी के फ़ोन्स अवेलेबल हैं, बट उनमें भर भर के ब्लोटवेयर्स होते हैं। वहीं पे OnePlus की ऑक्सीजन OS में कोई भी ब्लोटवेयर नहीं होता। क्लीन UI की बात करें तो अभी तक सिर्फ OnePlus, Motorola एंड Nothing ही फुल क्लीन एक्सपीरियंस देते हैं। इस फोन में 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं, तो अभी की सिचुएशन में भी आप इस फोन को 2 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के चला सकते हैं। एट दिस प्राइस पॉइंट दिस इज अ ग्रेट डिवाइस स्टिल इन 2023। और अगर आप फोन को पकड़ते हो तो श्योरली यू विल फील दैट यू आर यूजिंग अ प्रीमियम फोन। सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स पता चल गए आपको, अब आप अपने यूज़ के हिसाब से डिसाइड कर लो आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। अगर बेहतरीन डिस्प्ले, हैसलब्लैड कैमरा, फास्ट चार्जिंग, OnePlus ब्रांड, ऑक्सीजन OS, वाटरप्रूफ, 888 प्रोसेसर, ये सब मैटर करता है तो श्योरली आप इसको ले सकते हैं, और अगर नहीं करता है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और कोई भी आपका प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।